हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं के शर्मा। बच्चों, आज मैं आपको एक क्रिएटिव आर्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर पेज लेंगे, स्क्वायर पेज लें, स्क्वायर कार्डबोर्ड लें, चाहे इसको हम बाद में कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दें, लेकिन हमें स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लें या जिस तरह के आप ड्राइंग बनाना चाहें उस पर, उस तरह का पेज लें। तो मैं आपको खाली एक इसमें एक सैंपल बनाकर बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह का इसमें यहाँ से लगभग इतना स्पेस छोड़िए और चारों तरफ से इतना ही छोड़िए और इसमें एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इस तरह कंपास की हेल्प ना लेकर हम फ्री हैंड इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ये देखो, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इसके अंदर भी एक और सर्कल ड्रॉ करना है, लगभग इतना स्पेस छोड़कर। ये देखिए, इतना स्पेस छोड़कर इसके पैरेलल बिल्कुल। ये देखो बच्चों, इस तरह से हमने ये डबल सर्कल इसमें ड्रॉ किए हैं। अब मैं इसमें अंदर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। कोई भी आप, कोई भी स्वेच्छा से कोई भी ड्राइंग लें, ये तो मैं खाली आपको एक ड्रॉ करके सैंपल दिखा रहा हूँ कि हम कोई भी ड्राइंग ले सकते हैं, जिस तरह के हम एक आर्ट बना रहे हैं। अब ये हमने ये लाइन ली है, इसके बीचों बीच भी एक इसकी सेंटर लाइन ले लीजिए हल्की सी, ताकि इसका बैलेंस बराबर रहे दोनों साइड। यहाँ पे एक फेस ड्रॉ करेंगे, ये इसका क्राउन, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब इनके बीच में एक और थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से जिग जैग यू, ये इनमें इस तरह का ये डिजाइन की क्राउन बन गया। अब नीचे इसमें यहाँ से आइज, इसी तरह इसकी सीध में एक और आइज, इसका फेस की जो साइडें हैं यहाँ से इस तरह से लेना है दोनों साइड, और यूं यहाँ से नोज इस तरह से। यूं यूं ठीक इसी तरह इधर भी। अब देखिए, आईज और नोज बन गए, ये अंदर आई के अंदर जो ब्लैक ब्लैक हमें दिखता है वो पोर्शन, और यहाँ पे इसका मुंह बनाना है। ध्यान रहे कि जो हमने सेंटर लाइन ली है इसके दोनों साइड इक्वल स्पेस लें इस तरह।
जी इसकी टंग, टीथ, ये बीच का स्पेस ब्लैंक रेज कर देंगे इसको, और ये नीचे वाले टीथ बच्चों बीच, ये जो आउटर सर्किल है इसमें इस तरह का ये डिजाइन बना देंगे, यहाँ से यूँ, यहाँ यूँ, ये इससे थोड़ा ऊपर एक और लेंगे यूँ, और ये यूँ, यहाँ ऊपर भी यूँ जो, फिर इसी की सीध में यहाँ पर भी ऐसे, और जितना ये नीचे है उतना ही उसके सामने, जितना स्पेस यहाँ छूटा है उतना यहाँ और यहाँ, इस तरह ये हमारी ड्राइंग पूरी हो गई। अब हम इसको फेविकोल, ये फेविकोल लेकर जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर फेविकोल की ये ट्यूब है उसको चलाएंगे। बच्चों आप देख रहे हैं वैसे ही इस पे पूरे पे ऐसे फेविकोल चलाना है जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया है। ये देखिए बच्चों, ये फेविकोल की लेयर, इस पे जितनी भी लाइंस थी उन पे हमने फेविकोल की लेयर लगा दी है। अब इसको सूखने के लिए थोड़ी देर धूप में रख देते हैं। बच्चों अब इसके ऊपर ब्लैक कलर चलाएंगे इस तरह से, पूरे के ऊपर ब्लैक कलर मार देंगे ऐसे। तो बच्चों ये हमने इस पे ब्लैक कलर कर दिया। अब बच्चों इसके दो पार्टीशन कर लेंगे, लेफ्ट साइड सिल्वर या ग्रे कलर करेंगे। हल्का हल्का ब्रश को ऐसे चलाना है कि ये पूरा ग्रे इसकी साइडों तक ना घुसे, इस तरह से चलाना है कि ये साइडें हमारी थोड़ी थोड़ी इस तरह से दिखाई दे हमें, जो फेविकोल का उठा हुआ भाग है वो अच्छी तरह से पूरा ग्रे ना हो, हल्का हल्का उसमें ब्लैक का इफेक्ट भी नज़र आए। ये देख, तो बच्चों ये एक साइड हमने ग्रे कलर किया है और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसमें हमें गोल्डन कलर करेंगे इस तरह से। बहुत ही ध्यान से करना है, ब्रश को खड़े बल नहीं चलाना है, ब्रश को ऐसे चलाना है ताकि ये इफेक्ट हमें अच्छी तरह नज़र आए और ये कलर बिल्कुल भी इनकी साइडों में फिल ना हो, हल्का हल्का कलर करना है। बच्चों ये इस तरह से इसमें गोल्डन कलर भी ऐसे करना है, ना ज़्यादा डिप करना है ब्रश को, बिल्कुल हल्का हल्का डिप
करेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट इसमें आएगा। आप भी जैसे मैंने बताया है वैसे ही पहले ड्रॉ करें, फिर उसको फेविकोल से करें, और उसके बाद में ये कलर ब्लैक, और ब्लैक के बाद में ये जो और कलर बताए हैं इनको भी ऐसे ही करें। आप भी एक अच्छा बना पाएंगे, और इसको बनाने के बाद में आप अपने ड्राइंग रूम में या स्टडी रूम में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।